एमपी न्यूज पर इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता का नया प्रयोग, अब होगी बड़ी बात नो बकवास, देखिए बिग बात। स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश के पिछड़ों के साथ लगातार पिछले 20 सालों से ये सरकार धोखा कर रही है। जब भी पिछड़ों की बात आती है, शिवराज सिंह सरकार एक नया फार्मूला लेकर आ जाते हैं। अब जब स्थानीय चुनाव होने हैं, पंचायतों के, नगर निकाय के, बहुत सारे अन्य चुनाव होने, जिसमें स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व लें, ये एजेंडा होता है। आपने गलत तथ्य माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मध्य प्रदेश में जब हम 56% हमारी आबादी, तो ये 48% का आंकड़ा कहाँ से लाए? कहाँ से आपने आंकड़े निकाले? कौन सा आपका सर्वे का सिस्टम था? एक पिछड़ा वर्ग आयोग मध्य प्रदेश में आयोग बना हुआ, उसके बाद उससे आपने चर्चा तक नहीं की, जिसके अध्यक्ष JP धनोपिया हैं, उनसे तो कोई चर्चा आपने की नहीं। आंकड़े कहाँ से लेकर आए? जब आपकी नीयत खराब है, जब आप गलत तथ्य, गलत आंकड़े माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये स्थिति बननी है। मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण देने की बात हमने कही थी जब हम सरकार में आए थे, और बहुत स्पष्ट नियत के साथ में हम मध्य प्रदेश के पिछड़ों को प्रतिनिधित्व देना चाहते थे। हमको समय कम मिला, समय पूरा मिलता तो इस एजेंडे को मध्य प्रदेश में लागू हम करते हैं। ये जो हो रहा है, इससे स्पष्ट होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस मध्य प्रदेश में पिछड़ों के साथ पुनः धोखा कर रहे हैं, बार बार धोखा करते आए हैं, और आप मोहन भागवत और संघ का एजेंडा मध्य प्रदेश में लागू करना चाहते हैं। आपकी नीयत खराब है, आपकी सरकार की नीयत खराब है। हम इस सब सिस्टम को जो आज निर्णय आया है, उसको लेकर हमारे माननीय सलाहकारों से, विधि सलाहकारों से चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का क्या पक्ष कोर्ट, आप पहले आरक्षण की बात करिए, फिर चुनाव की बात करिए। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से और सरकार से कहना चाहता हूँ कि पहले आरक्षण होगा, उसके बाद चुनाव की बात होगी। तो अभी तक आप क्या करते रहे? इतने 2 साल हो गए, चुनाव नहीं हुए मध्य प्रदेश में। पूरे देश भर में, सभी राज्यों में चुनाव हो गए हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं हो रहे हैं। तो हम तो बार बार कह रहे हैं कि पहले आप हमारा जो हक है पिछड़ों का, उसके बारे में बात करें, फिर चुनाव की बात करें। तो ऐसे ही मुझे, जैसे देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में सरकार के खिलाफ एक एंटी इंकमसी भारी, महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर मध्य प्रदेश में है, बेरोजगारी चरम पर मध्य प्रदेश में है, आदिवासी यहाँ का उसकी पिटाई हो रही है, पिछड़ों की पिटाई मध्य प्रदेश में हो रही है, इस प्रदेश में हिंसा चरम पर है मध्य प्रदेश में, और बार बार सरकार इस प्रदेश के जो शांति का टापू, उसको नष्ट करने का काम करती है। तो ये सब सरकार के एजेंडे, सरकार के एजेंडे आरक्षण देने का नहीं है, सरकार का एजेंडा पिछड़ों की मदद करने का नहीं है, इसलिए स्थिति बनी प्रदेश में।